हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट ऑफ। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो वीडियो हमारा कुछ इस टॉपिक पे है कि एलईडी लाइट जो है 12 वोल्ट 9 वोल्ट कितना वोल्टेज से जलना चाहिए, किस रेजिस्टेंस को लगा के, इसके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। और एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो हमारा उसको आज करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसको करने के लिए एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा जो आपको प्ले स्टोर में जल्दी मिल जाएगा। यहाँ पर सर्च करेंगे एवरी सर्किट सर्च करने से ये एप्लीकेशन आपको आ जाएगा। ये आप इजीली मोबाइल से भी कर सकते हैं, कोई इसके लिए चार्ज नहीं, कोई इसमें ये नहीं। इसको हाई डिफिनेशन यूज करने के लिए आपको कुछ पैसा परचेज करना पड़ेगा, तो उतना भी आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए फ्रेंड, इस एप्लीकेशन को कर लेते हैं ओपन। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से तैयार करके रखा हूँ, तो इसको भी तैयार कैसे करेंगे और यहाँ पर कैसे चलेगी, तो चलिए फ्रेंड इसको करते हैं बैक और कर देते हैं डिस्क्राइब। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, बहुत सारा सर्किट यहाँ पर बने हुए हैं, तो फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ। फिलहाल कुछ एक छोटा सा सर्किट को सिलेक्ट करेंगे जो कि मैंने यहाँ पर तैयार किया हूँ। ये हमारा जो है तैयार किया हुआ है, जिसको आपको हर एप्लीकेशन में मिल जाएगा, इसी को सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पर फ्रेंड जिसकी ये है, यहाँ पर इसको बैक करते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड ये हमारे बने हुए इस सारा चीज़ को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और स्टार्टिंग से आपको दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बने हुए। यहाँ पे खाली पेज भी ले सकते हैं, जैसे कि बैक कर दिया, हम यहाँ से बैक कर दिया, प्लस आइकन पे क्लिक किया और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट ले लिया। यहाँ पे हमारा आगे ग्राउंड पॉइंट आपको मिल जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे इसको लेंगे बैटरी को, और बैटरी को इस ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड। ये हमारा ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर लेंगे एक रेजिस्टेंस जो कि एयर रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा ये कर लेते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं और इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर लेंगे एलईडी लाइट फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे एक एलईडी लेते हैं फिलहाल और एक एलईडी को आपको जला के दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, एक एलईडी को यहाँ लगाया और यहाँ लगाया, टी को क्लिक किया, नहीं जलाए फ्रेंड। और बैटरी को क्लिक करेंगे, जैसे कि बैटरी है, बैटरी में क्लिक किया, सेटिंग में क्लिक किया और इसकी वोल्टेज को बढ़ा दिए थोड़ा सा, जैसे कि वोल्टेज यहाँ पे 10 वोल्ट 12 वोल्ट के 12 वोल्ट से ऊपर गया तब जाके ये लाइट हमारा जली, यहाँ पे ऑन के कर रेजिस्टेंस लगने से। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू को घटाते हैं फ्रेंड, यहाँ पे 400 ओम तक का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो आपका 12 वोल्ट में लाइट जल जाएगी फ्रेंड। तो ये मुझे पता चल गया। तो यहाँ पे 400 ओम या 200 ओम 9 वोल्ट में भी, जैसे कि हम वोल्टेज चेंज करते हैं 9 वोल्ट में भी 400 ओम आपका काम कर जाएगी फ्रेंड। तो मैं यहाँ यूज करने वाला 12 वोल्ट से 3 एलईडी लाइट को। चलिए यहाँ पे 3 एलईडी लाइट को यूज करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर कलर भी चेंज करके देख सकते हैं फ्रेंड, जैसे सेटिंग में गया कौन सा कलर में कितना है, तो रेड कलर ही सबसे ज़्यादा कम वोल्टेज खींचती है, तो इसका भी यहाँ चेक कर पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ से करते हैं इसको कट और यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं 3 एलईडी लाइट को, ये 2, 1, 3 तीनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ये हमारा जो है ग्राउंड पॉइंट है, इसको ग्राउंड में कनेक्ट कर दिए फ्रेंड। इसका ग्राउंड, इसका प्लस इसका ग्राउंड के साथ, इसका प्लस इसका ग्राउंड के साथ, ये हमारा प्लस ग्राउंड कनेक्ट हो गया। और इसको लास्ट लाकर रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे बिंदी आएगा, इस बिंदी को इस बिंदी से टच करनी है, कनेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। अब चलिए ठीक ऑप्शन को करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, लाइट नहीं जल रही है। यहाँ पे पहले मैं 12 वोल्ट से यूज करने वाला हूँ, तो वो 12 वोल्ट ही आपको ये कर देते हैं। यहाँ पे जितना भी वोल्टेज आप बढ़ा के अपना चेक कर पाएंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 300-400 ओम के अंदर में बड़ा मस्त जल रही है। और इसको हम रेजिस्टेंस को और बढ़ाते हैं, घटाते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। 200 ओम में भी जल रही है, 200 ओम से नीचे जा रही है तो फ्रेंड हमारा जो है लाइट फ्यूज हो जा रही है। तो फ्रेंड इसके लिए एक्यूरेट है 200 12 वोल्ट में। तो यहाँ पे 200 ओम में सिलेक्ट कर दिया फ्रेंड। अब यहाँ पे एलईडी लाइट का कलर भी चेंज करके देख सकते हैं कौन से कलर में कैसी है और कौन से कलर में क्या है। थोड़ा सा जितना भी यहाँ बताएगा वैल्यू, थोड़ा सा 1-2% आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा लगाना, ताकि आपका एलईडी लाइट के लिए सेप्टिक हो फ्रेंड। तो मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, एक ये सर्किट है, एक सीरीज में ये हमारा सब एलईडी लाइट सीरीज में है, एक ये बन गया। अरे एक सेम ऐसे ही बनाना है जिसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। मैं
उसको ही बना के आपको दिखा देते हैं। एक एलईडी लाइट और लिया, एक एलईडी, दो एलईडी, तीन एलईडी, सेम इसी तरीके से कनेक्शन करनी है फ्रेंड। इसकी बिंदी, इसकी बिंदी, इसकी बिंदी, इसकी बिंदी से कनेक्ट हो गया और ये रेजिस्टेंट के साथ इसको कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो गया फ्रेंड। कुछ इस तरीके से हम कनेक्शन करके एक करेंगे। तो यहाँ पे पैसा मांग रहा फ्रेंड इतना ज़्यादा करने के लिए, तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो सेम इसी तरीके से कनेक्शन करनी है फ्रेंड। यहाँ पे कनेक्ट कर लिया और अभी देखते हैं, ज़्यादा हाई डिफिनेशन में जाने के लिए फ्रेंड पैसा मांग रही है, तो उतना भी ज़्यादा हाई डिफिनेशन यूज नहीं करेंगे हम लोग, नॉर्मल यूज करेंगे। नॉर्मल जानकारी है कि इतना में हमारा काम बन जा रहा है, एक और लगाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड आगे वीडियो में आपको दिखाते हैं कनेक्शन करके। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा, और इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे मेरे पास एक मूर्ति है जिसमें हम लोग एलईडी लगाएंगे, और यहाँ पे इसका सर्किट भी काम नहीं कर रही है पावर सप्लाई की वजह से। तो इसमें एक पावर सप्लाई भी यूज करेंगे और एलईडी लाइट भी इंस्टॉल करेंगे जो कि लाइफ टाइम में ख़राब ना हो जल्दी से। तो यहाँ पे एक सिंपल पावर सप्लाई का यूज करने वाला हूँ जो आपको मार्केट में 60 रुपये 40 रुपये या 50 रुपये के आसपास में आपको ईजिली मिल जाएगी। यहाँ पर इसमें ट्रांसफार्मर लगी हुई थी जिसको मैं हटा दिया हूँ। यहाँ पे एलईडी लाइट यूज कर रहा हूँ, एक 4-in-1 का एलईडी लाइट है और एक रेड और ग्रीन कलर का एलईडी लाइट यहाँ यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे 200 ओम के लगभग मैं रेजिस्टेंस यूज कर रहा हूँ जो कि मैं आगे मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ रेजिस्टेंस कैसे यूज करनी है, कितनी वोल्टेज में कितनी एलईडी लाइट। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे तीन एलईडी को सीरीज में और तीन तीन सीरीज करके उसके बाद पैरेलल करेंगे और यहाँ पे आपको जला के दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे जहाँ से ट्रांसफार्मर का कनेक्शन खोले होंगे दो पॉइंट, वहाँ पे ही पावर सप्लाई कनेक्शन जोड़ देंगे, और माइनस प्लस इसमें नहीं होती है लेकिन माइनस प्लस देख के जोड़ना है। तो वहाँ पे एक छोटा सा कैपेसिटर है जिसको आगे वीडियो में दिखाएंगे, उस कैपेसिटर में माइनस प्लस को देख के जोड़ सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे सिंपल तरीका हम बताया हूँ ताकि वहाँ से जोड़ने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका सर्किट इजीली चालू हो जाएगा, माइनस प्लस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फिर यहाँ पे एसी का लाइन को जोड़ लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे इस स्विच में जोड़ते हैं जो कि एसी का लाइन है इसका, और यहाँ से इस एसएमपीएस पावर सप्लाई को पावर दे देंगे फ्रेंड। तो चलिए इस तार को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, और मैं आपको यहाँ पे इजीली आप कर पाएंगे। तो चलिए ये एसी लाइन का है, इसको एक स्विच में जोड़ देंगे और एक डायरेक्टली। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे स्विच में जोड़ लेते हैं फ्रेंड, और स्विच ऑन ऑफ करने से यहाँ पे ऑन ऑफ ये एसएमपीएस इजीली हो जाएगी आपका। तो आपका मैं स्विच लगा हो ना लगा हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली हमें एसी करंट को यहाँ पे दे सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और इस एमपीएस का एम्पियर जो है ऑन एम्पियर, लेकिन यहाँ पे इससे जो मैं रिपेयर कर रहा हूँ इसमें एम्पियर की कमी होती है, तो उसका भी आगे वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ जिससे कि एम्पियर कैसे बढ़ाएंगे और आपका जो है काम सही से कर जाएगी। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे कैसे ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाने से हिचक रही है। तो देखिए फ्रेंड कम वॉल्यूम में चल रही, ज़्यादा वॉल्यूम देने से हिचकने लग रही है, तो एक एम्पेयर का प्रॉब्लम है। यहाँ पर छोटा सा कैपेसिटर लगी हुई, इस कैपेसिटर को हटा के बड़ा कैपेसिटर है, अलग से आप बड़ा कैपेसिटर लगा सकते हैं, तो उसी के कारण से यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है एम्पेयर का कमी। इसलिए फ्रेंड यहाँ पर एलईडी लाइट को इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद आगे वीडियो में आपको करके दिखाते हैं फ्रेंड। इसलिए फ्रेंड यहाँ पर एलईडी हम लोग कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे ताकि अच्छे तरीके से लाइट का इफेक्ट आ पाए। चलिए यहाँ पे एलईडी लाइट को इंस्टॉल करते हैं। Thank you.
चलिए फ्रेंड, हमारा यहाँ पे सारा एलईडी लाइट को लगा चुका हूँ और यहाँ पे सीरीज में कनेक्शन कर लेंगे। इसका माइनस, इसका प्लस पॉइंट है हमारा और इसका माइनस पॉइंट में जोड़ेंगे फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट करेंगे। और चलिए एक पॉइंट को और कनेक्ट कर लेते हैं, इसका प्लस पॉइंट इसका माइनस पॉइंट में कनेक्ट करेंगे ताकि मुझे प्लस नीचे मिलेगी और माइनस ऊपर वाले पॉइंट में मिल रही है फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो है कनेक्ट हो गया फ्रेंड और इजीली मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है फ्रेंड। और इजीली आप यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नॉर्मल कनेक्शन है फ्रेंड। तो सीरीज कनेक्शन करनी है और सीरीज कनेक्शन आपको नहीं पता तो आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड, तो मैं उसके बारे में डिफेंड मतलब वीडियो एक अच्छा सा बना दूंगा, सीरीज कैसे होती है, पैरेलल कैसे होती है। तो मैं यहाँ सीरीज का बात कर रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे भी करके आप कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन आपको नहीं समझ में आ रही सीरीज और पैरेलल कनेक्शन तो आपके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं आपको बना दूंगा, कमेंट आएगी ज़्यादा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड। फिलहाल मैं यहाँ पे सीरीज कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे सीरीज कनेक्शन कर लेते हैं, इसका प्लस पॉइंट और उसका माइनस यहाँ पे माइनस में जोड़े ताकि मुझे नीचे प्लस मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से सीरीज लाइन कनेक्शन होगी फ्रेंड, उसका माइनस और इसका प्लस, नेगेटिव नेगेटिव नहीं जोड़ देना, माइनस प्लस करके जोड़ना, तो आपको एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस मिल जाएगा जिससे कि आप एलईडी लाइट को जला सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे 200 ओम का रेजिस्टेंस को यूज कर रहा है फ्रेंड, इसको लगाते हैं एलईडी लाइट के साथ में बहुत ही इजीली। और क्वार्टर वाट आप रेजिस्टेंस लेंगे थोड़ा सी, तो कोई भी रेजिस्टेंस ले उससे कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल भी आप यहाँ यूज करके जला पाएंगे फ्रेंड, ऐसा कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। मेरे पास थी क्वार्टर वाट का, थोड़ा मोटी वाली, तो मैंने मोटी वाली यूज किया हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम होने वाले नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, दोनों में रेस्टन लगा दिया हूँ और ये दोनों को यहाँ पे पैरेलल कर देंगे, यहाँ से पैरेलल और ऊपर माइनस वाली पैरेलल, और दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे इसको पैरेलल, इस रेस्टन को इस रेस्टन में कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड, मैंने कनेक्ट कर लिया हूँ कुछ इस तरीके से फ्रेंड, यहाँ पे कनेक्ट कर लेनी है फ्रेंड। और हमारा जो है फ्रेंड कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर देते हैं और माइनस पॉइंट को भी यहाँ पे कनेक्ट करेंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे माइनस पॉइंट को भी कनेक्ट करते हैं। फिलहाल मैं यहाँ कुछ इस तरीके से सेटअप अपना सेटिंग देख रहा हूँ, तो आप अपने अनुसार सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे प्लस में कनेक्ट कर लेते हैं और प्लस पॉइंट को यहाँ के प्लस पॉइंट जो SMPS पावर सप्लाई है उसकी प्लस पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं फ्रेंड। SMPS का पावर सप्लाई का प्लस पॉइंट में कनेक्ट करनी है फ्रेंड। तो चलिए मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ और नेगेटिव पॉइंट को कनेक्ट करेंगे फ्रेंड। तो नेगेटिव पॉइंट के लिए भी कनेक्शन बाकी है फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट को ऊपर वाली पॉइंट को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, पहले इसकी वाली पॉइंट और उसकी नेगेटिव पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं इसकी नेगेटिव पॉइंट में और यहाँ से कनेक्शन को लेके माइनस पॉइंट को कनेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे जोड़ लेते हैं और यहाँ से फ्रेंड इस माइनस पॉइंट को SMPS पावर सप्लाई के माइनस पॉइंट में कनेक्ट कर देनी है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, हमारा जो है माइनस पॉइंट में कनेक्ट हो चुकी है और यहाँ से आपका जो है काम करना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, एक बार चेक करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड, काम कर रही है और बड़ा ही मस्त और कमाल लग रही है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, सारा चीज़ को सेटअप करके आपको वीडियो में आगे चेक करके दिखाते हैं और ऑडियो का भी प्रॉब्लम नहीं होगी उसको भी चेक करके आगे वीडियो में दिखाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए आज का जो हमारा वीडियो इतना ही था, लेकिन फ्रेंड एक थोड़ी सी बची। तो यहाँ पे फ्रेंड इस कैपेसिटर का यूज करेंगे और इस कैपेसिटर को यहाँ पे यूज करेंगे एम्पियर को बढ़ाने के लिए ताकि आपका जो आवाज़ का प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे इस कैपेसिटर को, यहाँ पे एक छोटी सी कैपेसिटर लगी होगी, इस कैपेसिटर के पॉइंट में कनेक्ट करने जो कि माइनस का निशान दिए हुए वहाँ पे माइनस में जोड़ेंगे और जो प्लस के प्लस तक तरफ निशान नहीं रहती है तो प्लस पॉइंट प्लस होती है, तो
तो माइनस का माइनस पता चल गया, जिस कैपेसिटर में माइनस है सेम कैपेसिटर का जैसा पॉइंट है वैसा पॉइंट में कनेक्ट कर देनी है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। इसको कैपेसिटर लगाने से आपका आवाज़ की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, और एम्पियर का प्रॉब्लम है, कम एम्पियर हो रही है तो ऐसा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर कोई दूसरा सर्किट में अगर यूज करना चाहते हैं तो। लगभग एम्पियर का जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर देती है कैपेसिटर, लेकिन ज़्यादा हाई एम्पियर खींचेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। लेकिन नॉर्मल एम्पियर वाला ये सर्किट बोर्ड है जिसके कारण यहाँ पे हमारा जो है सही हो चुका है। इस सर्किट के लिए आप इजीली काम कर सकते हैं। एक हद तक एम्पियर बहुत अच्छा तरीके से ये काम कर लेती है। तो चलिए फ्रेंड आपको मैं चेक करके दिखाते हैं एक बार। चलिए फ्रेंड यहाँ कोई प्रॉब्लम होने वाले नहीं है, आपका सारा चीज़ सही हो चुका है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और सारा सेटअप वीडियो आप देख लिए और देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड आज का वीडियो यही था, और चलिए फ्रेंड जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करते ताकि जो